एवरीवन, आज मैं आपको चिकन पफ पेस्ट्रीज बनाने का तरीका बताऊंगी जो बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 kg चिकन कीमा, 1 bell pepper, 10 to 12 मशरूम्स, 1/2 cup कॉर्न, फिलाडेल्फिया चीज, 1.5 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon चिली फ्लेक्स, 1.5 teaspoon ब्लैक पेपर, 3 tablespoon ऑयल, 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट। हम मशरूम्स और बेल पेपर को स्मॉल पीसेस में काट लेंगे। अब हम एक पैन में 3 tablespoon ऑयल में 1 tablespoon गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। वन मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन का कीमा डालेंगे और इसको 8 से 10 मिनट तक भुनेंगे। इसके बाद हम इसमें स्पाइस डालेंगे जिसमें नमक है, चिली फ्लेक्स है और ब्लैक पेपर है और इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 cup पानी डालेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कीमा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसमें मशरूम्स और कॉर्न डालेंगे और उसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और एंड पे हम इसमें बेल पेपर डालेंगे। याद रहे कि बेल पेपर को ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना, नहीं पकाना, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। एंड पे हम इसमें 2 tablespoon फिलाडेल्फिया चीज़ डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम अब लेंगे पफ पेस्ट्रीज। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगी। इसको आप फ्रीज़र से कुछ देर पहले निकाल के बाहर रख दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब आप देखें कि ये सॉफ्ट हो गई है तो इसको आप 2 हिस्सों में काट लें और इसकी फिलिंग स्टार्ट करें। इसमें थोड़ा सा चिकन डालें, ऑलमोस्ट 1 tablespoon, और इसकी एजेस को हाथ से बंद करें और फिर कांटे से इसके एजेस को थोड़ा प्रेस करें। आपकी मज़ेदार पफ पेस्ट्रीज तैयार हैं। आप इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में रख के। ये ऑलमोस्ट 80 to 90 पफ पेस्ट्रीज बनेंगी। अब हम इसको 200 डिग्री पे बेक करेंगे ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए। लेकिन आप 20 मिनट के बाद इसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और फूल गई हैं, दैट्स मीन कि आपकी पफ पेस्ट्रीज तैयार हैं। आप इसको चाय के साथ एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स।